हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ग्रेटर की सहायता से तीन तरह की बत्ती बनाकर दिखाऊंगी। दीपावली पर हर कोई दिए से अपने घर को सजाता है, उसके लिए हमें बनानी होती है बत्ती, तो हम मार्केट से लेके आते हैं। तो आज मैं आपको घर पर ही बनाकर दिखाऊंगी एक ग्रेटर से ये बत्ती। बत्ती बनाना बिल्कुल आसान है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं आपको सबसे पहले लंबी बाती बनाकर दिखाऊंगी। लंबी बाती जो हम दीवे में चसाते हैं ना दीपावली पर, वो वाली। तो उसके लिए हमें कॉटन ले लेना है और इस तरह से हमें खोल खोल कर रख देना है। 6-7 बार हम इसे खोल कर रख लेंगे ताकि हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो और जल्दी जल्दी हमारी बत्ती बन जाए। जिनके पास टाइम कम होता है तो वो जल्दी बत्ती बना पाएंगे और इस तरह से बत्ती बनाएंगे और बच्चों को भी बताएंगे ना, तो बच्चे भी बना कर दे देंगे इस तरह से बत्ती। ये लंबी वाली बत्ती बनाने के लिए ली है मैंने सिलाई, जिससे हम स्वेटर बनते हैं। आप चाहे तो अगरबत्ती वाली स्टिक भी ले सकते हैं। मैंने सिलाई इसलिए ली है कि इसमें मैं एक बार में ही 2 बार बत्ती बनाकर दिखाऊंगी। ये पहले मैंने एक बत्ती बनाकर दिखाई है और अब मैं आपको एक ही साथ में 2 बत्ती बना कर दिखाऊंगी, जिससे हमारा समय बहुत बच जाएगा और एक ही बार में हमारी 2 बत्ती बन जाएगी। एक दोनों कॉर्नर पे हमें रुई लगा लेनी है और इसे अच्छे से रब कर देना है। अच्छे से इसमें बल चढ़ जाएगा, जिससे हमारी टाइट बत्ती अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से आप बत्ती बनाएंगे ना, तो ढेरों बत्ती सेकंडों में बना पाएंगे। जिनके पास समय कम होता है, जो जॉब करने वाली लेडीज होती हैं, उनको टाइम नहीं लगता है बनाने का, तो इस तरह से वो बत्ती बनाएंगी ना तो मिनटों में बना पाएंगी। तो आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। अगली टिप्स है हमारी दूसरी बत्ती को लेकर। दूसरे नंबर की बत्ती भी बिल्कुल ईजी है बनाना। दूसरे नंबर की बत्ती बनाने के लिए हमें कॉटन ले लेना है और इसको चारों साइड से ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके थोड़ा सा लगा लेना है हमें फिंगर पे दूध। दूध लगाने से क्या होगा, इसमें बल अच्छे से चढ़ जाएगा और थोड़ी सी नोक लेकर के हमें इसे इस तरह से बल चढ़ा देना है। तो देखिए, इस तरह से आपकी दूसरी तरह की बत्ती भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए, इस तरह आप बत्ती बनाएंगे ना तो ये अच्छे से चसेगी। इसी तरह हमें दूसरी बना लेनी है। चारों तरफ से बस फोल्ड करना है, थोड़ा सा दूध लगाना है फिंगर पे और इसे इस तरह बल चढ़ा देना है। इस तरह से बल चढ़ाएंगे, इनका बल नहीं उतरेगा और ये अच्छे से चस जाएंगी। और इसके थोड़ा कलरफुल बनाने के लिए मैंने इसमें फूड कलर ले लिया है, ऑरेंज कलर। आप चाहें तो थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा रोली मिला लें तो आपका दोनों कलर मिलकर ऐसा कलर बन जाएगा, ऑरेंज सा कलर। तो आप इसको कलरफुल भी बना सकते हैं इस तरह से। आप इसे कलरफुल बनाएं या सिंपल बत्ती, वो आपकी चॉइस है। इस फेस्टिवल पर कलरफुल बनाएं, बहुत ही सुंदर लगती है बत्ती। आई होप आपको इस तरह की बत्ती भी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको तीसरी वाली बत्ती बनाकर दिखाऊंगी मोली से। जब हम अखंड जोड़ जलाते हैं तो उसके लिए हमें मोली की बत्ती की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हमारे पास में कोई नहीं होता है और हमें दिक्कत होती है मोली की बत्ती बनाने में, तो आपके पास कोई ना हो तो आप ग्रेटर ले लीजिए और उस पर मोली की एक गांठ लगा लीजिए और हमें उतना मोली तोड़ लेना है जितनी हमें बत्ती चाहिए होती है। जितनी लंबी बत्ती आप रखना चाहें उतना मोली तोड़ लीजिए और फिर इसमें हम लगा लेंगे बल। एक बात का खास ध्यान रखें, हमें बल इसे एक साइड में ही लगाना है, चाहे तो आप राइट साइड से लगाएं या फिर लेफ्ट साइड से। इसे हमें रब करते जाना है और इसकी ऐठन लगती जाएगी। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा खोल कर इसको खोल लेंगे ताकि हमारा अच्छे से ऐठन लग जाए इसमें। तो देखिए, इस तरह से हमें इसको खोल लेना है ताकि इसमें अच्छे से बल चढ़ जाए और हमें इस तरह से रब करते जाना है। तो अब एक छोर से हमें दूसरे छोर को खोल लेना है। अब दूसरे छोर को हम खोल लेंगे ग्रेटर से, हटा देंगे इसको और फिर दोनों को मिला लेंगे। दोनों कॉर्नर को अच्छे से मिला लेंगे और इसमें ऐठन अपने आप लग जाएगी। देखिए, इस तरह से आपकी मोली की बत्ती बनकर तैयार हो जाएगी। और एक साइड से आप लगा लीजिए गार्ड ताकि इसका बल ना निकले, वैसे भी नहीं निकलेगा आप ना भी लगाएं तो। तो देखिए, ये हमारी मोली वाली बत्ती बनकर तैयार है। आप इसे अखंड जोत के लिए या फिर पंचमुखा दीवा चसाना हो तो उसके लिए भी ये बहुत काम आती है। आज मैं इसे आपको पंचमुखा दीवा चसा कर दिखाऊंगी। जो बत्ती हमने बनाई है, अब इसके 3 हिस्से कर लेने हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें इन्हें दीवे के अंदर लगा लेना है। एक इस कॉर्नर पर और एक इस कॉर्नर पर लगा देंगे।
और एक पत्ती हम अलग से लगा देंगे, जिससे हमारा ये पंचमुखा दीवा बनकर तैयार हो जाएगा। और फिर इसमें तेल डाल लीजिए या फिर घी डाल लीजिए, वो आपकी चॉइस है। और इस फेस्टिवल पर जलाए पंचमुखा दीवा बहुत ही सुंदर लगता है। तो देखिए इस तरह से हमारा पंचमुखा दीवा बनकर तैयार है। अब इसके अंदर थोड़ा सा डाल लेंगे हम तेल, ये मैंने सरसों का तेल लिया वो डाल लेंगे, और फिर इसके अच्छे से तेल में भिगो देंगे ताकि ये अच्छे से जल जाए। तो आप भी इस तरह से पंचमुखा दीवा जलाइए और अपने फ्रेश